हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका वाइकोटेक्स इंडिया यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज आप लोगों के लिए मैं एक अच्छा सा कीबोर्ड लेके आया हूँ जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। गाइस जैसे कि आप कुछ भी टाइप करोगे ना तो वो स्टिकर टाइप में हो जाता है। जैसे मैंने किसी बंदे को गाली दी ना तो गाली जो स्टिकर में कन्वर्ट हो जाएगी, काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड आप फाइटिंग करोगे ना तब भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा ये कीबोर्ड। गाइस इसमें कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने में लगते हैं। एंड आप सिंपल नॉर्मल फाइटिंग करना चाहते हो या तो फिर ग्रुप में चैट करना चाहते हो तब तो ये कीबोर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसका लुक दिखाऊंगा कि कैसा इसका लुक दिखने में लगता है। एंड गाइस आप वाइकोटेक्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही बेल आइकन कॉल करना लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो गाइस मैं इसका पहले आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी सेटिंग बताऊँगा, क्या इस ऐप का नाम है वो भी बताऊँगा आपको। देखिए गाइस मैं आ गया हूँ मैसेंजर में, यहाँ से मैं आप टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो गाइस। ये देखिए मैंने टाइप किया, ठीक है, मैंने ये लिखा है तो स्टिकर में ये हो गया जो कि ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे मैंने लिखा, देखिए गाइस ये लिखा साइड में, ये देखिए स्टिकर बन गया, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा ये स्टिकर टाइप का जो कि सेंड हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है। ये लिखा गाइस देखिए फिर से स्टिकर में हो गया। आप ग्रुप चैटिंग करोगे गाइस सब तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड फाइटिंग के लिए भी अच्छा ये कीबोर्ड है। और गाइस ये फ्री है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा मतलब कुछ सेंड कर दिया तो स्टिकर बन गया, बाद में स्टिकर नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस। तो आपको मैं कुछ टाइप करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी सेटिंग वगैरह बताऊँगा आपको। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी जो कि ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखिए जो कि मैंने टाइप किया काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है स्टिकर टाइप में। देखिए जो भी देखिए मैंने गाइस यहाँ पे टाइप किया जो कि स्टिकर में हो गया है। देखिए गाइस काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, देख रहे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड काफ़ी अच्छा इसमें फीचर्स भी दिया गया है, स्मॉल होने का कोई चांस नहीं। अगर सिंपल तुम इससे टाइप करोगे जैसे कि मैंने ये देखिए गाइस क्लिक किया, ठीक है, अब तो ये देखिए सेंड कर दिया मैंने तो ये स्मॉल हो गया। अब मैं स्टिकर टाइपिंग करूंगा जैसे कि अभी कैपिटल रहेगा, देखिए स्मॉल नहीं हो रहा कैपिटल हो रहा है। ये देखिएगा इसका लुक आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब इसको आप इंस्टॉल करोगे तो इस टाइप का देखिएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको करना गाइस क्या है, यहाँ से देखिए ये थ्री लाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर चले जाना है। जाने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए कीबोर्ड सेटिंग यहाँ पे दिख रहा है, आपको इस पर चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ से आप सेलेक्ट करा लेना। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट थीम का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर चले जाना है। जाने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें थीम्स वगैरह मिल जाएंगे, जो भी आपको जिस भी कैटेगरी के थीम चाहिए यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। देखिए सेलेक्ट आ सकते हो आसानी से, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए हमारी थीम जो कि सेलेक्ट हो गई। जिस पर क्लिक करोगे सारी यहाँ पे फ्री थीम दी गई हैं, परचेज वगैरह ऐसा कोई इशू है नहीं कि आप परचेज करोगे, बिल्कुल ये फ्री है। ये तो थीम्स की बात हो गई गाइस। जैसे कि गाइस इसको छोड़ देना, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको भी आप चाहें छोड़ देना, ठीक है। फिर आपको की हाइट में आ जाना है, ये देखिए हाइट वगैरह जितनी आप रखना चाहो, फिलहाल मीडियम में रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी इसमें शॉर्ट भी दी गई है, ठीक है, टाल भी दी गई है। ओके गाइस फिर वाइब्रेशन को इसको आप ऑफ कर देना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे देखिए की बॉर्डर जो अब दिख रहा है यहाँ पे जी, इसको आप इनेबल कर देना गाइस तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद इसको भी आप इनेबल कर देना। साउंड का जो ऑप्शन है इसको आप क्लोज कर देना। उसके बाद ये तीनों जो क्योंकि इनेबल आप कर देना। फिर इसका एडिशनल सेटिंग में आपको आ जाना है। आने के बाद गाइस यहाँ पर यहाँ से देखिए ये लिखा टेक्स्ट रिप्लेसमेंट जो शॉर्टकट दिख रहा है आपको इस पर चले जाना है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आप शॉर्टकट डालना चाहते हो जैसे कि आपने
KII की मतलब कीबोर्ड यूज़ किया होगा, तो उसमें शॉर्टकट वगैरह होता है और साइन कीबोर्ड यूज़ किया होगा। सो इसमें भी ऐसा ही गाइस है, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्टकट दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल ये देखिए दे दिया, ठीक है। डबल ये देने के बाद यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सेव कर लेना। यहाँ पे हमारा जो था शॉर्टकट वो सेव हो गया। यहाँ से आप अनलिमिटेड सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सेव कर दिया। शॉर्टकट की बात हो गई, अब आपको दिखाऊंगा शॉर्टकट ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब गाइस यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सारे जो इनेबल आपको मिल रहे हैं ये सारे आपको इनेबल कर लेने हैं। ये डाला था, ठीक है। डबल ये मैंने डाल दिया, ये देखिए इसके नेक्स्ट आगे का जो मैंने शॉर्टकट वहाँ पे लिखा था ये आ गया। काफ़ी मज़ेदार ये कीबोर्ड है देखिए। और मैंने यहाँ वहाँ पे लिखा था तेरी लिखा था गाइस ना, तो यहाँ पे देखिए तेरी लिखने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आगे की गाली थी यहाँ पे आ गई है। तो इस टाइप से आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें फाइटिंग भी सेट कर सकते हो एंड स्टीकर भी इसमें गाइस आप यूज कर सकते हो। अभी तक अपने वाइकेटेक्स इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही बेल आइकन कॉल करना लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय गाइज़।